नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। मैं हूँ भाग्यश्री। सबसे पहले तो वो सभी स्टूडेंट्स जिनके यूपी बोर्ड के 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई कि आप सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस बोर्ड में इंटरमीडिएट में प्रांजल सेकेंड टॉपर हैं। हाई स्कूल के मेरिट लिस्ट में जिले के 4 विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं प्रयागराज से। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट हैं इस बार काफ़ी अच्छे आए हैं, और 12वीं में प्रयागराज के प्रांजल सिंह जो हैं वो दूसरे स्थान पर हैं, और औरैया के उत्कर्ष शुक्ला तीसरे स्थान पर हैं, और टॉप किया है बागपत के अनुराग मलिक ने। तो इन सभी टॉपर्स को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, साथ ही टॉपर्स के अलावा सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और चलिए कुछ और अपडेट्स पर नजर डालते हैं कि क्या कुछ कोरोना को लेकर अभी हालात बने हुए हैं, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है। केसेस 5 लाख के ऊपर हमारे देश में जा चुका है, और कल भी हम जब वीडियो के दौरान जुड़े थे तो हमने ये आशंका जताई थी कि बहुत जल्द ये आंकड़े 5 लाख को क्रॉस करेगा, और ये क्रॉस कर चुका है। एक्टिव केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि लगभग 1,97,000 से ज्यादा केसेस हैं। और अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो रिकवरी भी तेजी से बढ़ रहा है, लगभग 2,95,000 से ज्यादा रिकवरी केसेस हैं। और यहाँ पर एक और अपडेट है, आपको बता देती हूँ मैं। दिल्ली से ये अपडेट है। दिल्ली में कुछ दिन पहले हमने एक खबर देखी थी कि टिड्डियों के दल ने हमला किया था, जिसको जिसको लेकर प्रशासन जो है वो तमाम चीजें करने की कोशिश में था। लेकिन अभी मैं अपडेट देख रही हूँ कि इसके लिए प्रशासन ने कहा है कि टिड्डियों को भगाने के लिए डीजे बजाया जाएगा, और कई इलाकों में इसके लिए अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ कि एक बैठक हुई है इसको लेकर, और दिल्ली सरकार के जो विकास मंत्री हैं उन्होंने बैठक की है, और उसके बाद ही उन्होंने एक एडवाइजरी जो है वो इश्यू कर दिया है। अभी जो अपडेट है कि ये जो दल है ये हरियाणा के पलवल की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका एक टुकड़ा जो है जसोला और भाटी, जो कि दिल्ली के बॉर्डर एरियाज होते हैं, उसकी तरफ इनको देखा गया है। इसलिए वहां पर केमिकल वगैरह जो है वो उसका छिड़काव किया गया है। दिल्ली का साउथ एरिया, वेस्ट और साउथ वेस्ट जिले जो है उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, और वहां पर प्रशासन जो है वो तमाम तैयारियां करें कि अगर ये अटैक करते हैं सिटी की तरफ तो क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने की जरूरत है। और इसको लेकर नोएडा में भी एक टीम बना दी गई है कि अगर दिल्ली के बाद वो नोएडा की तरफ मुड़ते हैं तो वहां पर भी तमाम एहतियात जो बरते जाएंगे। गुरुग्राम में भी कुछ इलाकों में कहा जा रहा है कि वहां भी इनके घुसने के आसार है, तो वहां पर भी किसानों को के खेतों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए जो है वहां पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ओके, लेट मी सी कि अभी और क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर। मैं पहले वो अपडेट पर नजर डाल लेती हूँ। देखिए, सीआरपीएफ में हमने लगातार अपडेट्स में देखा है कि सीआरपीएफ जवानों में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ी है, और अब तक 1,046 केसेस हो चुके हैं जिनमें से 8 की मौत हुई है। और दूसरी तरफ दिल्ली से एक और अपडेट है। सर गंगाराम हॉस्पिटल में 1 जुलाई से ओपीडी की सेवा जो है वो शुरू होगी। आंध्र प्रदेश से अपडेट है। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 796 नए मामले हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। बिहार में भी 80 नए मामले आए हैं, और बिहार में कुल संख्या इस वक्त 8,858 है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 607 नए केसेस आए हैं। अब तक 649 लोगों ने दम तोड़ा है। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 15 मई के बाद से दिल्ली में लगातार कोरोना केसेस बढ़े हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद इस वक्त हमारे देश में दिल्ली सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन की वजह से ही भारत में इस वक्त जो सिचुएशन है कोरोना को लेकर वो कंपैरेटिवली दूसरे प्रभावित देशों से काफी बेहतर है, और लगातार प्रशासन और सरकार जो है वो कदम उठा रही है।
और ये भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में जो भी कुछ हो सकता है, जो हर संभव कोशिश और जो चीज़ें हैं वो किया जाएगा। और क्या कुछ और अपडेट, हम एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कुछ चीज़ों पर बार बार फोकस करते रहे हैं और कहा है कि दिल्ली में टेस्टिंग और आइसोलेशन पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, लोगों को पैनिक क्रिएट होने से पहले रोकने की ज़रूरत है, और इसके लिए होम आइसोलेशन एक तरीका है, रैपिड टेस्टिंग्स एक तरीका है, तो ये जितना ज़्यादा हो उतनी जल्दी इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, साथ ही जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना, कि हमारे देश में लगातार केसेस बढ़े हैं। लगभग 26 जून को, यानी कि एक दिन पहले, जैसा कि मैं अपडेट देख रही हूँ, 2,20,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट जो हैं वो करवाए गए हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी लगातार हमला जो है वो इस पे किया ही जा रहा है। और बीएमसी ने अपडेट दिया है, यानी कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपडेट दिया है कि कोरोना से मौत की अस्पतालों को 48 घंटे में पूरी जानकारी देनी होगी, गूगल फॉर्म भरना होगा, क्योंकि वहां पर लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ओके। उधर अमेरिका ने चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाए हैं, हांगकांग की स्वायत्तता को लेकर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी तरफ पुणे में भी कोरोना के लगभग 595 मरीज मिले हैं, लगातार यहाँ भी अपडेट ऐसा ही है। गुरुग्राम में भी लगभग 93 नए केसेस की पुष्टि हो गई है। दिल्ली में भी बीते 24 घंटे में, आप समझ लीजिए, 3,460 नए केसेस जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों ने शेयर की है, और कई एक्सपर्ट्स हैं जो बता रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आप कोरोना वायरस पॉजिटिव होते हैं, आपका टेस्ट होता है और आप पॉजिटिव होते हैं, तो सबसे पहले जो है लोगों को घर में आइसोलेट रहने की सलाह दी जाती है, या फिर उनको क्वारंटीन सेंटर में डाला जाता है। तो कुछ ऐसी खास बातें हैं जो आपको कोरोना पॉजिटिव होने पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात जो है वो है इंश्योरेंस। किसी भी प्राइवेट और अच्छी सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप सबसे पहले आपकी जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है उसको आप प्रॉपरली चेक करिए, ठीक है। आपके पास कम से कम 7 दिन तक ठहरने का उतना अमाउंट होना चाहिए, और अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर खर्च उसी अकॉर्डिंगली होगा। अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान में हैं या ऑफिस प्लान पर करते हैं, तो आप ये पता लगा लीजिए कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो अपने परिवार के लिए, आपके फैमिली के लिए कितनी राशि जो है वो आप बचा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसमें अभी भी महीनों का वक्त है, और कई जगहों पर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है हॉस्पिटल्स में बेड की सुविधा आपको मिलती है या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस तरह की फैसिलिटीज थोड़ी कम है, यानी कि बेड जो पेशेंट्स के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम है। तो आपको इसके लिए भी पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है इस सिचुएशन में। अगर आपके पास दोनों विकल्प है, प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट का, तो कोविड वॉर रूम या सीएमओ ऑफिस से आप जो है पूरा डिटेल ले सकते हैं, और फिर आप अकॉर्डिंगली एडमिट हो सकते हैं। देखिए, ये जो तमाम अपडेट है, ये खास कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं जो एक्सपर्ट्स ने शेयर की हैं, कि अगर आप इस सिचुएशन में कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं तो आपको इमिजिएटली किस चीज़ का ध्यान, किन बातों का ध्यान रखना है। तो जिनमें से दो बातें तो है आपकी इंश्योरेंस, और उसके बाद बेड की पॉसिबिलिटी। तीसरा है आपके आईडी और कोविड रिपोर्ट, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपके ऑफिस का आई कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और कोविड-19 की जो आपकी टेस्टिंग रिपोर्ट है वो आपको अपने साथ रखनी है। तो ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है ये आपके साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कई जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है।
चौथा चीज है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहे हैं या आप क्वारंटीन सेंटर में जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ कुछ जरूरी चीजें जो है वो जरूर पैक करके लेके जानी, जैसे कि पानी की गर्म बॉटलें का रख लो, और गिलोय का आप जूस ले सकते हैं, आप चवनप्राश, बिस्किट, और कम से कम आप 5 जोड़ी अपने लिए कपड़े रखें। इसके अलावा जो भी आपके डेली एसेंशियल की चीज़ें हैं, कुछ फ्रूट्स आप रख सकते हैं अपने साथ, टिश्यूज, शुगर पैकेट, जो भी एसेंशियल्स हैं, डिस्पोजेबल्स, तो इनको आप एक साथ पैक करके रख सकते हैं कि आपको काम आए हॉस्पिटल में। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई बुक रख सकते हैं, अगर आप क्वारंटीन सेंटर में हैं, आपको वहाँ पर आराम करने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, तो आपके पास एक बुक होगी या आपका फोन होगा जो आपके लिए एंटरटेनमेंट का साधन रहेगा। इसके अलावा आपके पास ऑनलाइन कंटेंट आप तैयार रख सकते हैं, यानी कि अगर आप क्वारंटीन सेंटर में जा रहे हैं या हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो आपके पास अगर लैपटॉप है आपका या फोन है, तो आप टाइम स्पेंड करने के लिए ऑनलाइन कंटेंट जो है वो देख सकते हैं। आप एक लैपटॉप चाहें तो अपने साथ रख सकते हैं, जो आपको आप वहाँ रहकर भी कुछ चीज़ें जो है आराम से कर पाएंगे। और आपकी जो फैमिली जिनसे आप दूर जा रहे हैं, तो परिवार के सदस्यों का जायजा जो है वो आपको नो वहाँ पर भी लेते रहना पड़ेगा, तो आप अपने साथ अपने ऑक्सीमीटर, आपकी बीपी मीटर, थर्मामीटर जैसी चीज़ें जो है वो ज़रूर लौटते वक्त लेकर जाएं, और अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं कि कैसे आप इससे जांच कर सकते हैं, ताकि आपकी जो फैमिली है घर पर वो भी अपने आप को सेफ रह सके। आज ये शेयर करने का मेरा एक ही पर्पस रहा है। कई बार हम न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में ज़रूर बात करते रहते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है दोस्तों, जिससे हम अभी हम सब जूझ रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं, और लोग ये चीज़ें शायद शेयर नहीं कर पाते, डिस्कस नहीं कर पाते, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ जो समझना मुश्किल है, जैसे कि स्ट्रेस। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अलग से एक मेंटल स्थिति से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस अलग तरीके का उनको हो रहा है, घर पे रहकर काम करने के साथ भी एक अलग मेंटल हेल्थ में वो चल रहे हैं, और ऐसे में चीज़ें भूलना या गड़बड़ होना, गलतियां करना एक आम चीज़ है और ये बहुत ही नॉर्मल है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रेजेंट हालात हैं ये उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली टाइम के साथ हट जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो क्या आप भी ऐसे किसी चीज को फेस कर रहे हैं? आप कमेंट करके हमें लाइव वीडियो में बता सकते हैं कि क्या आप भी इस तरह की हैपजैड कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, या स्ट्रेस फील करते हैं कभी कभी, या आपको टेंशन होती है, आपको डर लगता है, अभी जो सिचुएशन आपके चारों ओर बनी हुई है, तो आप कैसे इन चीज़ों को डील करते हैं, या आपकी फैमिली के साथ आप कैसे इन चीज़ों को डील कर पाते हैं, तो ये आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड भी हम कई सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर देख सकते हैं कि कैसे कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि आप इजी तरीके से अपने आप को अभी प्रेजेंट हालात में जो स्ट्रेस आपके चारों तरफ है उससे खुद को बाहर निकाल सकते हैं। तो आप ज़रूर ये वीडियोस देखें, और आप यकीनन इन वीडियोस को देखने के बाद बहुत ही बेटर फील करने वाले हैं, ये हमारी गारंटी है आपके लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इस पर थोड़ी सी बात कर लें कि आप लॉकडाउन के दौरान कितना स्ट्रेस फील करते हैं और किस तरह का स्ट्रेस आप फील करते हैं। मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट्स का, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगर इस तरह से कुछ फील करते हैं तो कैसे आप बाहर निकलते हैं, कैसे आप खुद को इन चीज़ों से दूर रख पाते हैं, क्या क्या करते हैं आप इन चीज़ों को खुद से दूर रखने के लिए, ये हमें ज़रूर बताएं। क्या आप फिल्में देखना पसंद करते हैं इस दौरान, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, या आपकी जो फेवरेट हॉबी हो आप वो करना पसंद करते हैं, या आप ध्यान और मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं? तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं खुद को इन स्ट्रेस, जिसको एक्चुअली लोग कोविड स्ट्रेस कह रहे हैं, उससे खुद को दूर रखने के लिए। तो आप जरूर शेयर करें कि इस स्ट्रेस को खुद से दूर रखने के लिए आप क्या क्या चीजें करते हैं। चलिए कुछ थोड़े और अपडेट्स पर आ जाएं, कुछ और अपडेट्स आपको बताते चलें। देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड की, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज रिजल्ट निकला है, और उसके बाद जो भी टॉपर्स हैं उनको योगी सरकार जो है वो गिफ्ट देने जा रही है, 1 लाख रुपए, लैपटॉप, और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, और घर तक उनके पक्की सड़क, या ये सौगात जो है वो यूपी एग्जाम बोर्ड के टॉपर्स को दिया जा रहा है।
टॉपर्स के घर तक जाने वाली जो सड़क है उसका नामकरण इन टॉपर्स के नाम पर किया जाएगा। यकीनन ये बहुत बड़ी सौगात है, और जिन भी टॉपर्स के घर तक पक्की सड़क नहीं है वहां पर पक्की सड़क बनाई जाएगी, और इसके अलावा उन्हें कैश प्राइज भी दिया जा रहा है, उन्हें लैपटॉप भी दिया जा रहा है। तो ये यूपी एग्जाम बोर्ड के जो टॉपर्स हैं 10th और 12th के, उनके लिए एक बहुत बड़ा अनुदान है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ओके, दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी काफ़ी सारे अपडेट जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं, और थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की खबरें दे दूं। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, ये जो मैटर है, ये आप और हम दोनों ही जानते हैं, इस पर लगातार बातें हो रही हैं। तो इसको लेकर अब सुशांत की मौत के 13 दिन बाद उनके परिवार की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, एक ऑफिशियल बयान आया है, और इस लेटर में एक तरह का एक नोटिस टाइप का है, जहां पर सुशांत की फैमिली की तरफ से कहा गया है कि सुशांत के नाम का एक फाउंडेशन वो बनाने जा रही हैं, और साथ ही उन्होंने जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोगों ने सुशांत का सपोर्ट किया, उनका धन्यवाद किया है। और ये भी बताया गया इस लेटर में कि राजीव नगर में, पटना में, सुशांत के बचपन का जो घर है वहाँ पर सुशांत की तमाम बिलोंगिंग्स को स्टोर किया जाएगा, उसे एक म्यूजियम के तौर पर चेंज किया जाएगा, जो उनके फैंस के लिए होगा, उनके एडमायरर्स के लिए होगा, जो वहाँ जा सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं। सुशांत की जितनी भी बिलोंगिंग्स, उनके टेलीस्कोप, उनकी किताबें, जो भी चीज़ वो इस्तेमाल करते थे, वो तमाम चीज़ें पटना के राजीव नगर में उनके बचपन के इस घर के अंदर स्टोर किया जाएगा, और इसे एक म्यूजियम के तौर पर बनाया जाएगा, और लोग वहाँ जाकर सुशांत की चीज़ें जो है वो देख सकेंगे। और ये जो उनका फाउंडेशन जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर होगा, ये फाउंडेशन सुशांत के फेवरेट फील्ड्स में एस्पायरिंग जितने भी लोग हैं उनके लिए काम करेगा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे वो साइंस से जुड़े हों, या फिर वो स्पोर्ट्स से जुड़े हों। तो ये जो फाउंडेशन है जो उनके नाम का खोला जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम फील्ड से जुड़े जितने भी यंग बच्चे होंगे उनको प्रेरणा देगा, और उनके लिए ये संस्था जो है वो काम करेगी। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि सुशांत की फैमिली के लिए एक बहुत ही मुश्किल भरा वक्त है, लेकिन एक बहुत अच्छा फैसला सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने किया है। उनकी यादों को हमेशा उनके फैंस और उनके दोस्तों और उनके कोलिग्स के लिए रखने के लिए ये फाउंडेशन और ये म्यूजियम जो है उनके नाम से वो किया जा रहा है। तो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है उनकी फैमिली की तरफ से एक नोटिस के जरिए जो है दी गई है। ऑल राइट, दूसरी तरफ यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में सुष्मिता सेन ने वेब सीरीज के जरिए कमबैक किया है। वेब सीरीज का नाम है आर्या। अगर आपने नहीं देखी है देन आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार जरूर देखें। थ्रिलर है इसमें, ड्रग पेडलिंग से रिलेटेड है, और लीड में सुष्मिता सेन जो आर्या का किरदार प्ले कर रही हैं, एक अच्छा कमबैक सुष्मिता सेन के लिए डेफिनेटली है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यहाँ पर इस सीरीज में वो प्ले करती नजर आ रही हैं, अपनी फैमिली को सेव करते हुए कैसे वो लड़ती हैं ड्रग माफियाओं से, कुछ ऐसी कहानी है। ओके, सो यहाँ पर गुलफान हमारे साथ हैं, जो कह रहे हैं कि बिहार में 5 फौजी अमर हो गए उनके नाम से रखो। बिल्कुल आपके सेंटिमेंट्स की हम कद्र करते हैं गुलफान, और यकीनन आप जो कह रहे हैं हमारे देश के जो जवान हैं उनके लिए तो जितना भी किया जाए वो कम है। उनकी कुर्बानी और वो जिस तरह से देश के लिए लड़ते हैं, हम कुछ भी करके उनके इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप में एक अलग पद है, एक अलग ही लेवल है। हम देश के जवानों को सिर्फ सलाम कर सकते हैं, और यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश में ऐसे बेटे जो हैं वो हमेशा जन्म लेते रहें, क्योंकि तभी हम सब महफूज हैं, हम सब सांस ले पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आपके इस एडवाइस और कमेंट के लिए। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, सुष्मिता सेन को लेकर, तो अगर आपने ये देखी है वेब सीरीज तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। और लारा दत्ता भी कुछ वक्त पहले एक वेब सीरीज के जरिए कमबैक किया है उन्होंने, जिसमें वो एक कॉप
का रोल प्ले कर रही थी, और 100 नाम था उस सीरीज का। तो आपको किसका कमबैक बेटर लगा, सुष्मिता सेन या लारा दत्ता? आप अगर कंपेयर करें, दोनों ही ब्यूटी पेजेंट्स विनर रहे हैं, मिस यूनिवर्स दोनों ही रही हैं, तो ऐसे में दोनों मिस यूनिवर्स में से किसका कमबैक आपको काफी पावरफुल लग रहा है, जरूर बताएगा। कि गुलफान कहते हैं सुष्मिता सिंह का डायलॉग, इट्स सुष्मिता सेन, आई एम सॉरी, इट्स नॉट सुष्मिता सिंह गुलफान, सुष्मिता सेन का डायलॉग बहुत अच्छा है। यस यू आर राइट, ऑफकोर्स। देखिए, जनता जिसे चाहेगी उसे ही टॉप पर लाएगी, जनता के फैसले के आगे किसी की नहीं चल सकती है। ऑफकोर्स सुष्मिता सेन की जो डायलॉग्स हैं, जैसा कि मैं भी बता रही थी, वो बहुत ही पावरफुल हैं। आर्या में जो उनका कैरेक्टर है, अगर आपने देखा हो, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। इनफैक्ट इंडस्ट्री के कई स्टार्स, उनके कलीग्स ने भी ट्वीट करके और वीडियो के जरिए उनकी सराहना की है, जिस तरह का कमबैक सुष्मिता ने अरसे बाद कमबैक किया है इस वेब सीरीज को देखकर। सलमान खान ने भी एक वीडियो जारी किया था और उन्होंने इसे दबंग कहा है सुष्मिता सेन को, कि वो काफी अच्छा काम कर रही हैं और काफी इस सीरीज को लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप सस्पेंस देखना पसंद करते हैं और सुष्मिता सेन को एक लंबे अरसे के बाद आप देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप डेफिनेटली आर्या जो है वो देख सकते हैं। राइट, एक और सीरीज है जिसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगी, जो मैंने हाल फिलहाल में देखी, अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस से, जो की है बुलबुल। देखिए, अनुष्का शर्मा का जो लास्ट प्रोडक्शन रहा है पाताल लोक, इसके बारे में आप और हम सब जानते हैं, मेजर मेजर हिट रही है और लोगों ने पाताल लोक को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बेहतरीन सीरीज रहा है। एंड अब बुलबुल को लेकर भी काफ़ी सराहना जो है वो की जा रही है। ओके, प्रियांश कहते हैं शी इज टैलेंटेड ऑल्सो। ऑफकोर्स प्रियांश, आई अग्री कि सुष्मिता सेन जब शुरू में इंडस्ट्री में आई, जब जिस तरह की फिल्में उन्होंने की, जिस तरह का प्रेजेंस और पर्सनालिटी उनका रहा है, वो लोगों ने बहुत पसंद किया है। और एक लंबे टाइम के बाद सुष्मिता कमबैक कर रही किया है उन्होंने वेब सीरीज में, तो वो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। ऑफकोर्स ये उनका टैलेंट, प्योरली टैलेंट ही है, जिस वजह से उनके कंधों पर ये इस पूरी सीरीज की जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाई है। इनफैक्ट आर्या में चंद्रचूड़ सिंह, जो उन्होंने भी कमबैक किया है, सुष्मिता सेन के हस्बैंड का रोल प्ले किया है इस सीरीज में। कई सारी फिल्मों में चंद्रचूड़ नजर आए हैं, जैसे कि माचिस, जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म रही है, या फिर जोश। तो कुछ एक फिल्मों के बाद चंद्रचूड़ इंडस्ट्री से गायब हो गए थे, लेकिन इस सीरीज के जरिए उन्होंने भी कमबैक किया है और उनके किरदार की भी काफी सराहना हो रही है। ओके, गुलफान कहते हैं सुष्मिता सेन को सलमान खान ने ट्रेलर में लॉन्च किया, को सलमान खान ने ट्रेलर में लॉन्च किया। ओके, आई थिंक थोड़ा सा आपकी लाइंस मिसकॉन्सेप्ट हो रहे, तो एक बार आप प्लीज दोबारा से हमारे लिए कमेंट लिखेंगे तो काफी अच्छा होगा। एंड यस, जैसे कि मैं बुलबुल के बारे में बता रही थी, अगर आप में से किसी ने अभी तक बुलबुल नहीं देखा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप हॉरर सीरीज देखना पसंद करते हैं, देन यू शुड एक्चुअली वॉच इट। बुलबुल इंटरेस्टिंग है, नॉट एग्जैक्टली, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से इसमें हॉरर है और कहानी आपको डराएगी, या बहुत ज़्यादा आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज है। जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन लीड है बुलबुल का, उसके जरिए दिया गया है। कुछ पोर्शंस में आपको थोड़ा सा ये हॉरर जरूर दिखेगा, बट यस, ओवरऑल आप जरूर देख सकते हैं। अगर आप वेब सीरीज देखने का शौक रखते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर देखें बुलबुल, और जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये सीरीज। और अभी फिलहाल में ये आ रही है, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो जुलाई में आने वाली है, जिसके साथ अभिषेक बच्चन डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया पर दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, वो है ब्रीत का सीजन 2। अगर आपने ब्रीत का फर्स्ट सीजन देखा होगा, जिसमें आर माधवन थे, सुपर हिट रही थी ये सीरीज, लोगों ने बहुत पसंद किया था। और अब इसका जो सेकंड सीजन है, इसमें आपको अभिषेक बच्चन नजर आने वाले हैं। सो ऑफकोर्स उनके फैंस को इंतजार है कि सीरीज में अभिषेक बच्चन किस तरह से लगेंगे, किस तरह का कैरेक्टर होगा। तो ये सीरीज जो है वो 10 जुलाई को आने वाली है, एंड उसके बाद ऑफकोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज होने जा रही है। तो मुझे बताइए कि आप लोगों को इंतजार है सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म देखने का, दिल बेचारा, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और लोग
थिएटर हॉल में जाकर इस फिल्म को देख पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जिस तरह के हालात हैं वो नहीं हो पाएगा। तो सीरीज जो है, ये जो फिल्म है माफ़ करेगा, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है 24 जुलाई को, और ये सभी के लिए अवेलेबल होगा। अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं नहीं हैं तो भी आप ये फिल्म ज़रूर देख सकते हैं। एंड आई नो कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं उनके बहुत सारे सेंटिमेंट्स जो हैं इस फिल्म के साथ जुड़े होंगे। ओके, सुष्मिता सेन को सलमान खान ने बोला और मेरे पास में साथ दूंगा। ओके, सलमान खान एंड सुष्मिता सेन पुराने कलीग्स रहे हैं गुलफान, उन्होंने साथ में कई फिल्में की हैं, इनकी अपनी एक अलग अच्छी दोस्ती है और बॉन्डिंग है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू देयर पर्सनल थिंग्स। देखिए, हमारे इंडस्ट्री में बहुत ऐसी फ्रेंडशिप है जो सालों पुरानी है और जो चल रही है। और एंड दूसरी तरफ करण जौहर को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने मुंबई फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसके पद से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, हालांकि कई लोगों उन्होंने समझाया। लेकिन उनका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में और नेपोटिज्म वाली बात पर इंडस्ट्री ने उनका साथ नहीं दिया और इसीलिए वो इस पद से रिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कितना लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो फॉर श्योर है, सोशल मीडिया पर करण जौहर के फॉलोअर्स तेज़ी से कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ कंगना रनौत और सुशांत के फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी हद तक कई सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर देता है कि सही और गलत लोगों की नज़रों में वो किस तरह का रहा है। हम इस पर कोई जजमेंट डेफिनेटली नहीं दे सकते हैं, लेकिन यस, हमें इंतज़ार रहेगा सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म का, दिल बेचारा। ये उनकी आखिरी फिल्म है तो डेफिनेटली उनकी कई सारी यादें और सेंटिमेंट्स लोगों की और फैंस की जो है इस फिल्म के साथ जुड़ी होगी। ऑलराइट, सो फिलहाल इतना ही, एंड आई होप कि आप सभी लॉकडाउन के दौरान जिस भी जगह आप वहाँ भी रह रहे हैं, जिस भी जोन में हैं, आप अपने रिस्ट्रिक्शंस को ज़रूर फॉलो कर रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें, जब भी घर से बाहर निकले प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइव, एंड कीप वॉचिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।